दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, उस पर हो सकता है वीडियोस पर व्यूज भी कम आएंगे, उस वीडियो पर हो सकता है लाइक भी कम आए, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं जो एक पिता होता है ना, पिता वो अपने बेटे से क्या उम्मीद रखता है पता है? वो अपने बेटे से ये उम्मीद रखता है कि उसका बेटा जब बड़ा होगा ना तो उसका साथ देगा, बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगा। लेकिन आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं आपको पता ही होगा, अपने पिता को धोखा दे रहे हैं, अपने पिता को अपशब्द कह रहे हैं, अपने पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे शर्मनाक चीज़ें इस दुनिया में हो ही नहीं सकती कि एक बेटा अपने पिता का अपमान कर रहा है। इससे शर्मनाक चीज़ दुनिया में कभी नहीं हो सकती। एक पिता के अपने बेटे से क्या उम्मीद होती है कि तुझे आज मैं चलना सीख लाऊं, तू कल मेरा सहारा बनना, ये उम्मीद होती है। दोस्तों हमारे देश के लोगों की एक बहुत बुरी आदत है पता है, ये बुरी आदत है कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने से कभी बाज नहीं आएंगे। उदाहरण देता हूँ, मान ले हमारे देश का कोई गाना है, कोई भी गाना है, वो जो भारतीय गाना है उस पर अगर कोई अंग्रेज़ डांस कर रहा है ना, तो उसको हमारी भारतीय जनता इतना अप्रिशिएट करेगी, उसके कमेंट सेक्शन में लिखेगी आप धन्य हो, हम धन्य हो गए, आप जैसे अंग्रेज़ हमारे गाने पर नाच रहे। अरे अंग्रेज़ हमारे गानों पर नाच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है हमारे इंडिया में, और हमारे इंडिया के लोगों में मान सकता है कि अगर अंग्रेज़ हमारे गाने पर नाच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसी भारतीय गाने पर अगर कोई इंडिया का ही व्यक्ति नाच रहा है ना, तो उसको हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्या बड़ी बात है, इंडिया का ही तो है, नाच रहा नाच रहा, तो ये मान सकता बदलो अंग्रेज़ों की तरफ, अंग्रेज़ी भाषा की तरफ अपने रुख को बदलो। पहले भी इसी की वजह से गुलाम बने हो, फिर से वो गलती मत करो, इंडिया के लोगों को अप्रिशिएट करो, इंडिया के टैलेंट को आगे बढ़ाओ।